इकोलॉजी, जहां पे हम इकोलॉजी को, इकोलॉजी को हम बेसिक से स्टडी कर रहे हैं, और इसको हम बेसिक से जो आपका हॉट या कह सकते हैं कि बेसिक से टॉप लेवल तक हम स्टडी करेंगे। तो इस चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर मैंने दो वीडियो जो है ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। तो ये हमारा आज तीसरा वीडियो है, और तीसरा वीडियो में या कह सकते हैं ये आज आपका थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर का आज का जो हमारा है वो कंसेप्ट या टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। चलिए इसको हम शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि एक कोई पर्सन है ए, ठीक है। अब ए जो है यह दो तरीके का मतलब दो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। एक जो है यह इंटरेक्ट कर रहा है ए बायोटिक से, ए बायोटिक कंपोनेंट से, ए बायोटिक कंपोनेंट से। दूसरा यही ए जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है बायोटिक कंपोनेंट से। अब एक क्वेश्चन ये आया कि नेचर में, अगर हम यहां पे बात करें नेचर की, नेचर में बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों होता है। तो ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट को आप कैसे पता लगाएंगे? तो अगर आपसे कोई कहे कि कौन से कैरेक्टर्स हैं, या आप ए बायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अबायोटिक कंपोनेंट में आपके पास अभी कौन सा एग्जाम्पल है? आप अज्यूम कर सकते हैं लाइट, एयर, वाटर, ये सब चीजें हैं, मिनरल्स। वहीं पे आप बायोटिक कंपोनेंट की बात करोगे तो बायोटिक कंपोनेंट में आपके पास क्या है? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये दोनों से इंटरेक्ट कर रहा है, किससे? बायोटिक से भी, अबायोटिक से भी। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको कैसे पता कि यह अबायोटिक है, या आपको कैसे पता कि दूसरा कंपोनेंट बायोटिक है? इसको समझने के लिए आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होगा कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो बायोटिक होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं जिससे कि हम बायोटिक और अबायोटिक चीज को एक्सप्लेन कर सकें। कोई भी ऐसा कंपोनेंट नेचर का जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम अबायोटिक कहेंगे। और ऐसे कंपोनेंट जो कि अन मोडी फिएबल हो, अनमोडिफिएबल कंपोनेंट, वो हमारा अबायोटिक होता है। दूसरा वो कंपोनेंट जो कि हमारे नेचर में कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो, वेटिव नेचर का हो। जैसे कि आपने पढ़ा है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास और एनर्जी ये सब क्या है हमारा, कंजर्वेटिव है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। दूसरा, वो कंपोनेंट जो कि डेंसिटी पे डिपेंड ना करता हो, डेंसिटी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, लाइट, एयर, वाटर, मिनरल, ये सब डेंसिटी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दो की जगह पांच हो जाओ तो लाइट कम हो जाए, नहीं होगा कम। नेचर में जितना है उतना ही रहेगा, एयर उतना ही रहेगा जितना है। तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। देखिए वाटर, अगर आप इस पे कहो कि वाटर तो कम हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, अरे वो पी रहे ना, पर वाटर कम नहीं हो रहा, वो तो हमारे नेचर में साइक्लिक में प्रोसेस में है, क्योंकि मैंने कहा कंजर्वेटिव नेचर में, हम पीते हैं निकालते हैं, पीते हैं निकालते हैं, पीते हैं निकालते हैं। मतलब हमारे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, नेचर के पॉइंट ऑफ से डेंसिटी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जो होता है वो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट होता है। यहीं पे अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट को हम मॉडिफाई कर देंगे। तो यह हमारा पहला टर्म है कि मोडिफिएबल्स होगा। दूसरा, कंजर्वेटिव की जगह ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव होगा। नॉन कंजर्वेटिव होगा। और तीसरा, डेंसिटी डिपेंडेंट होगा। डेंसिटी डिपेंडेंट होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट होगा। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे बायोटिक कंपोनेंट का, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन यह एक बायोटिक कंपोनेंट है नेचर का, क्योंकि कंपटीशन को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कंपटीशन नॉन कंजर्वेटिव है और कंपटीशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी ज्यादा है कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी कम है कंपटीशन कम होगा। सेम अगर आपसे हम ए बायोटिक का पूछे तो ए बायोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा सेलिनिटी ऑफ ओशन। ओशन की सैलिनिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, कितना भी बाहर पॉपुलेशन हो सैलिनिटी कम ज्यादा नहीं होगा, अनमोडिफाइबल है, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर है बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट का। पर अब यहां पे समझना ये है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ए का ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर पे डिपेंड होता है। बायोटिक एंड ए बायोटिक दोनों फैक्टर इसके ग्रोथ को क्या करते हैं, इसके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बायोटिक अबायोटिक फैक्टर का मतलब यहां पे क्या है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वाटर, वाटर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सनलाइट, सनलाइट, इसमें से कोई भी कंपोनेंट जो आप अज्यूम कर सकते हैं वो सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन के ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब मैंने कंडीशन दिया कि कंडीशन ए
दूसरा मैंने कहा कंडीशन बी। कंडीशन हम ए में बोल रहे कि यहां पे देखिए मैं यूनिट टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे पर्टिकुलर किसी यूनिट के बारे में बात नहीं करूंगा। न्यूट्रिएंट मैंने कहा 5 यूनिट हैं। दूसरा मैंने कहा वाटर, ये मैंने कह दिया 2 यूनिट हैं। और मैंने कह दिया सनलाइट 10 यूनिट हैं। सेम कंडीशन जो मैंने दूसरा दिया उसमें मैंने कहा कि आपका न्यूट्रिएंट जो है वो 1 यूनिट है। कंडीशन नंबर 2 वाटर आपका 2 यूनिट है और लाइट आपका 10 यूनिट है। अब हमने कहा कि कंडीशन ए में जो पर्सन है एक्स, मान लीजिए अब इसको जो पर्सन एक्स है जिसका हमें ग्रोथ या डेवलपमेंट देखना है, उसका कंडीशन ए में ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा। तो आप हमेशा याद रखिए किसी भी पर्सन का ग्रोथ या किसी भी चीज का ग्रोथ या डेवलपमेंट नेचर के अंदर उस पे डिपेंड करता है जिसका अमाउंट सबसे कम होगा, मिनिमम अमाउंट जिसका होगा। मिनिमम अमाउंट आपका वाटर का है, मतलब ग्रोथ ऑफ द एक्स टोटली डिपेंड ऑन द वाटर। बट यहीं पे कंडीशन बी में जो है न्यूट्रिएंट का सबसे कम है, तो अब कंडीशन बी के लिए उस पर्सन एक्स का ग्रोथ न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करेगा। मतलब जिस भी मटेरियल का, जिस भी फैक्टर का सप्लाई कम है, वही फैक्टर उस पर्सन का के ग्रोथ और डेवलपमेंट को लिमिट करता है। अगर 2 यूनिट की पानी है तो पानी ही उसके ग्रोथ को जो है लिमिट करेगा। अगर 1 यूनिट न्यूट्रिएंट था तो उस 1 यूनिट जो है वो उस पर्सन के ग्रोथ को लिमिट करेगा। तो नेचर में जो भी चीज किसी भी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, उन चीजों में जिस फैक्टर का सप्लाई सबसे कम होगा वो फैक्टर उस पर्सन के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा। यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है लिमिटिंग फैक्टर कंसेप्ट। यहीं से हमारा क्या कंसेप्ट आता है, लिमिटिंग फैक्टर कंसेप्ट। मे बी आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एक लाल बटन हिट करना है और मेरे साथ आपको 10-20 मिनट रोज बिताना है जिससे कि हम आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो अगर हम आपसे कहे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द दिस कंसेप्ट, तो इसका कंसेप्ट है द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दैट द फैक्टर That the factor, factor में यहां पे example ले लीजिए, such as a particular nutrients, water और सनलाइट सनलाइट दैट इज इन शॉर्टेस्ट
सप्लाई, शॉर्टेस्ट सप्लाई, विल, लिमिट, विल लिमिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ कम्युनिटी। ये आपका हो गया कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखिए यहीं से कुछ चीजें हैं जिसको आप समझ लीजिए। एक चीज आपने दो टर्म पढ़ा है, एक पढ़ा है रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप, उसका भी मतलब यही होता है। वो स्टेप किसी भी रिएक्शन का जो उसके होने पर लिमिट लगाए, अगर वो स्टेप आप हटा दो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो वही लिमिट कर रहा, वो शॉर्टेस्ट सप्लाई में यूज हो रहा, तो उस स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। सेम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट केमिस्ट्री में, उसमें भी वही है कि वो रिएजेंट जो सबसे कम सप्लाई दे रहे हैं, जो सबसे कम अमाउंट में है, तो उसे हम रेट लिमिटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो ये बातें आज आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आप बीएससी, एमएससी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें समझना। अब एक और कंसेप्ट है, यहीं पे समझिए। जैसे मैंने कहा ए है, अब ए जो है बहुत सारे फैक्टरों से घिरा हुआ है, बी से घिरा है, सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से, एच से, इतने सारे फैक्टर्स से घिरा हुआ है। लेकिन नेचर में यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। ए बी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ए जो है ई से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ए सी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ए डी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बैरियर नहीं है ना। इस नेचर में हम क्या कह रहे हैं, बैरियर नहीं है, बैरियर लेस है। अब हमने कहा कि ये आपस में भी कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए बी से, बी सी से, सी डी से, डी जो है वो ई से, ई एफ से, यहाँ पे ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये जो है हमने क्या कह रहा है कि ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपका कुछ इस तरह से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क क्या है, ये ऐसा नेटवर्क है जहां पे ऑल फैक्टर्स एक्ट टुगेदर। पर कंडीशन क्या था, कंडीशन मैंने क्या कहा था, कंडीशन हमारा क्या था, कंडीशन था नो बैरियर। जब कोई भी बैरियर ना हो और एक साथ सारे फैक्टर काम कर रहे हो, तो ऐसे कंसेप्ट को हम यहीं पे हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम होलो सिनोटिक, होलो सी नोटिक प्रिंसिपल कहते हैं, होलो सिनोटिक प्रिंसिपल कहते हैं।
तो अब आइए हम होलोसिनोटिक प्रिंसिपल के लिए लाइंस लिख लें। तो हमारा क्या कहता है, होलोसिनोटिक अप्लाइड टू अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच ऑल फैक्टर्स एक्ट टुगेदर विदाउट बैरियर सेपरेटिंग देम। तो आज हम यहीं पे खत्म करते क्लास को। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो कंसेप्ट पढ़ा। एक था आपका कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा कंसेप्ट था होलोसिनोटिक प्रिंसिपल। बाकी अगर आपने दो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाइए और वहां से इंट्रो डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी पढ़ के आइए, और आपका दूसरा क्या था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों आप पढ़ के आइए, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस हमारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब अगला जो हमारा टारगेट है, अगला वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्लिमेशन क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, और इसी के साथ हम लॉ ऑफ मिनिमम जो कि ब्लैकमैन का है, लाइविंग ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, तो उसको हम अगले वीडियो में, और उसके बाद हम सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की स्टडी करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लो यार, और इसे ज़्यादातर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो अब जो भी स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी की किसी भी फील्ड में उनको ऐसा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि इकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू।